सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। बिहार में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 8:13 पर रेक्टर स्केल पर 6 की तीव्रता से हिली धरती। ईडी के छापे पर बोले संजय राउत, आत्मसमर्पण नहीं करूंगा, लड़ाई जारी रहेगी। गुजरात में शराब तस्करी, एक व्यवस्थित तंत्र, जांच एजेंसी ने किया नेटवर्क का खुलासा, 200 करोड़ से ज्यादा कमा रहे शराब तस्कर। मद्रास हाईकोर्ट वर्चुअल मोड पर शादी के लिए हुआ राजी, रजिस्टर्ड शादी में देरी हुई तो कोर्ट में दायर की थी याचिका। कट्टरपंथी ताकतों पर बोले डोभाल, कहा कुछ लोग धर्म के नाम पर दुश्मनी पैदा कर रहे हैं, हम चुप नहीं बैठ सकते। आरबीआई के पूर्व गवर्नर की चेतावनी, रघुराम दास बोले अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश देश का बंटवारा करा देगी। एमपी में गिनती नहीं बोल पाए तो टीचर ने तमाचे जड़े, रतलाम में बच्चियों को बुलाया फिर कर दी पिटाई, अब बोला गलत भावना से नहीं पीटा। देश के 9 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, यूपी में 29 जिलों में आज होगी भारी बारिश, जम्मू में 30 लोगों का आर्मी ने किया रेस्क्यू। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर 5 अगस्त को कांग्रेस का हल्ला बोल, पीएम हाउस के घेराव का ऐलान। कोरोना ने बढ़ाई चिंता, बीते 24 घंटों में कोरोना के 19,673 नए मामले आए सामने, देश में सक्रिय मरीज 1.43 लाख के पार। विवादों में नीतीश कुमार की पार्टी, यूपी के इनामी माफिया डॉन धनंजय सिंह को बनाया जेडीयू का महासचिव। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया जारी, बारामूला में मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, 2 जवान घायल। दिल्ली पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम शिंदे, 30 दिन में 6 बार दिल्ली का दौरा, कैबिनेट विस्तार पर अमित शाह से चर्चा संभव। प्राइवेट मदरसों पर नियंत्रण कानून लाएगी असम सरकार, सीएम शर्मा बोले राज्य में तबाही मचाने की फिराक में आतंकी संगठन अलकायदा। झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों से भारी कैश जब्त, हावड़ा जा रहे थे, जेएमएम महासचिव ने किया था दावा, कई विधायक संपर्क में। सड़क हादसे में 3 की मौत, 4 घायल, इटावा में डंपर ने ऑटो को मारी टक्कर, घटनास्थल पर 3 लोगों की मौत। गोंडा में 3 दिनों से घाघरा का जलस्तर हो रहा ऊपर नीचे, सैकड़ों बीघा परवर धारा में समाहित, खतरे का निशान छूने को बिता। पॉस्को एक्ट के आरोपी को 10 साल का कारावास, मथुरा कोर्ट ने सुनाई सजा, 3 साल पहले नाबालिग का किया था रेप। सोनभद्र में बच्चों को जरूर कराएं योग अभ्यास, रॉबर्ट्सगंज मुख्यालय पर पहुंचे योग संरक्षक, नियमित योग क्रियाओं के बारे में लोगों को बताया।
औरैया में सोमवार से दवा पिलाने के लिए चलेगा अभियान, विटामिन ए की पिलाई जाएगी दवा। हरियाली तीज 2022 पर सोने चांदी से बने झूले में विराजमान हुए बांके बिहारी, भगवान रंगनाथ चांदी के झूले में बैठ कर देंगे दर्शन। भदोही सड़क हादसे में एक की मौत, हाईवे पर ट्रक से टकराई कार, दो लोग घायल, कौशाम्बी से काशी जा रहे थे दर्शन करने। हिंदू बालक का साजिशन कराया गया खतना, पिता की तहरीर पर पीड़ित की मां समेत दो गिरफ्तार। रायबरेली में गौवंशों के शवों को नोच रहे कुत्ते, कौवे कीचड़ में फंसकर दम तोड़ रहे गौवंश, चारे पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं। हरदोई में कावड़ियों से भरी ट्रॉली और बस में टक्कर, एक की मौत, नौ घायल, फरुखाबाद के पांचाल घाट से लेने जा रहे थे गंगाजल। कासगंज में करंट की चपेट में आकर युवक की मौत, ई रिक्शा की बैटरी चार्जिंग में लगाते समय हादसा, गैरेज में लगा रहा था प्लग। भाजपा नेता के घर चली गोली, बच्चे की मौत, कौशाम्बी में पड़ोसी की बेटा जिला मंत्री के बेटे के साथ खेल रहा था, कमरे में मिली रिवॉल्वर। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में हुआ विस्फोट, विस्फोट से दो मंजिला मकान हुआ जमींदोज, हादसे में एक घायल, जांच में जुटी पुलिस। शामली के डिप्टी सीएमओ पर धमकी देने का आरोप, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सीएम को लिखा पत्र, कार्रवाई की मांग। सोनभद्र में सिर मुड़वाकर महिला को गांव में घुमाया, चेहरे पर पोता कालिक और चूना, गले में पहनाई जूतों की माला। भड़काऊ अश्लील गाने बजाने पर दो को हिरासत में लिया गया, सीतापुर पुलिस ने डीजे ऑपरेटर और मालिक को पकड़ा, कावड़ियों ने किया हंगामा। डिप्टी सीएम सहित मंत्रियों ने यातायात नियमों की उड़ाई धज्जियां, चित्रकूट में ई रिक्शे पर सवार होकर डिप्टी सीएम सहित सभी मंत्री पहुंचे रामघाट। जालौन में खाना लाने में देरी होने पर मारपीट, ग्राहक और वेटर में चले लात घूसे, मामले की जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर में महिला की मौत, पिता बोला ससुरालियों ने हत्या कर लटकाया है शव, दहेज के लिए करते थे प्रताड़ित। छोटे भाई ने बड़े भाई की गला दबाकर की हत्या, बस्ती में जबरन खेत में धान की रोपाई से किया था मना, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने तीन बदमाशों को किया अरेस्ट। बारिश में गिरी छत, सात पशु दबे, दो की मौत, मुजफ्फरनगर के गांव कुलहेड़ी में देर रात हुआ बड़ा हादसा। वाराणसी में उपन्यास सम्राट के घर फहराया गया तिरंगा, इंद्रेश कुमार लम्हे में बोले मुंशी प्रेमचंद्र देश के लिए लिखते रहे। बिजनौर में सड़क हादसे में चार की मौत, चार घायल, इको कार और रोडवेज बस में हुई आमने सामने से टक्कर, कार ड्राइवर नींद में था। गाजीपुर में समन्वय समिति की बैठक में पहुंचे अफजाल अंसारी, परिवार पर हो रही कार्रवाई को बताया पुरस्कार।
दवा के संकट से जूझ रहा जिला अस्पताल, अंबेडकर नगर में 200 से अधिक दवाओं की कमी, मरीजों को नहीं मिल रहा इलाज। मेरठ में होटल में चलता मिला सेक्स रैकेट, पुलिस ने मारा छापा, युवती सहित 4 युवक पकड़े गए। ज्वेलर्स की दुकान से महिलाओं ने उड़ाए हजारों के झाले, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ इनामी बदमाश, बोला आज के बाद नहीं करूंगा अपराध। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश सहित एक पुलिसकर्मी घायल, दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, 4 लूट की वारदात में था शामिल। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, 2 नेशनल हाईवे समेत 262 सड़कें बंद। यूके एसएससी पेपर लीक मामले में कांस्टेबल समेत 2 और गिरफ्तार, अब तक 11 लोगों की हो चुकी गिरफ्तारी। उत्तराखंड में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद अब कैबिनेट विस्तार की चर्चा शुरू, 3 पद है खाली। अब उत्तराखंड में रेलवे स्टेशन पर ओवर रेटिंग की तो लाइसेंस होगा निरस्त, सामान के साथ बिल देना जरूरी। देहरादून आ रहा सेब से भरा वाहन, अनियंत्रित होकर खाई में गिरा, 2 युवकों की मौके पर मौत। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी में होगी विज्ञान की पढ़ाई, शिक्षा महानिदेशक ने सभी सीओ को भेजे पत्र। ऋषिकेश में गंगा के जल स्तर में वृद्धि दर्ज, चेतावनी रेखा से 42 सेंटीमीटर नीचे, प्रशासन को नियमित सूचना जारी कर रहा केंद्रीय जल आयोग। उत्तराखंड एसटीएफ के पास गुमनाम शिकायतों की लंबी सूची हुई जारी, कोई गुमनाम पत्र तो कोई व्हाट्सएप और फोन पर दे रहा है सूचना। उत्तराखंड भर्तियों में बंगाल की भांति हो रहा खेल, सरकार नियुक्तियों से कमा रही पैसा, कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर बोला हमला। उत्तराखंड में पद से हटने के बाद मदन कौशिक ने दी प्रतिक्रिया, बोले जो जिम्मेदारी मिलेगी करूंगा उसका निर्वहन। प्रवर्तन टीम ने पकड़ी कटरा दून वॉल्वो बेटिकट कर्मचारी, नेता परिचालक निलंबित, चेकिंग टीम को देख बस दौड़ा ले गया चालक। उत्तराखंड के सितारगंज के मसाज सेंटर में चल रहा देह व्यापार का धंधा, बेसहारा युवतियों से कराते थे अनैतिक काम। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 21 लोगों का 2.16 करोड़ गबन, अक्षय विजन निधि के सीएमडी पर मुकदमा। उत्तराखंड के विकास नगर में 3 बाइक और 1 कार फूंकने वाले अभियुक्त को 10 साल का सश्रम कारावास, 2017 का है मामला। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, 288 नए संक्रमित मिले, 1 मरीज की मौत, 1553 पहुंची सक्रिय मरीजों की संख्या। धरती पर गिरा चीन के रॉकेट का मलबा, आसमान में तेज रोशनी दिखी, सोशल मीडिया पर लोग बोले ये उल्कापिंड की बारिश जैसा है।
ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के सपने को एक और झटका। पूर्व पीएम उम्मीदवार ने लिज ट्रस्ट का किया समर्थन। पोप ने माफी मांगने को नुनावत की यात्रा कही। कहा कनाडा के स्कूलों में हुआ सांस्कृतिक नरसंहार। अमेरिका में बंदूक संस्कृति के खिलाफ बिल पास। 213 के मुकाबले 217 मतों से विधायक पारित। सीनेट में मुश्किल। रूस यूक्रेन जारी जंग के बीच जेलेंस्की बोले डोनेस्क क्षेत्र खाली करें। खेरसोन में यूक्रेन आक्रामक। कई रूसी सैनिक मारे। ड्रैगन की नई खुराफात। तिब्बतियों को जबरन भारतीय सीमा के पास बसने की तैयारी। हांगकांग की मीडिया रिपोर्ट में खुलासा। अमेरिका के केंटकी में बाढ़। 25 लोगों की मौत। मरने वालों में एक ही परिवार के 4 बच्चे भी शामिल। 50 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में जुटे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन फिर हुए कोरोना पॉजिटिव। इसी हफ्ते वायरस को दी थी मात। विदेशी चंदे के आरोपों पर बुरे फंसे इमरान खान। पीएम शहबाज का तंज। खबर झूठी तो मुकदमा करें। भारत हमारा पड़ोसी बदल नहीं सकते। पाकिस्तान के नए नवेले विदेश मंत्री। बिलावल का दिव्य ज्ञान। सावित्री जिंदल बनी एशिया की सबसे अमीर महिला। 89.49 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ टॉप पर। चीन की फैन होंग भी दूसरे नंबर पर। बीजेपी सांसद बोले हमने महंगाई कंट्रोल की है। सुधांशु त्रिवेदी का दावा। 2014 के पहले एलपीजी सिलेंडर 1241 में मिलता था। फाइव जी स्पेक्ट्रम नीलामी के 30 राउंड पूरे। 1,49,967 करोड़ रुपए की बोली लगी। पाक कोर्ट ने पीएम शहबाज शरीफ और बेटे को तलब किया। 16 अरब रुपए की गड़बड़ी का है मामला। जी और सोनी के विलय को स्टॉक एक्सचेंज की मिली मंजूरी। दिसंबर में हुआ था समझौता। श्रीलंका में महंगाई दर 60.8% तक पहुंची। खाद्य पदार्थों और ईंधन की कमी बरकरार। एफडीआई पाने में दिल्ली तीसरे और हरियाणा पांचवें स्थान पर। सिंगापुर से सबसे ज्यादा 27.01% का निवेश। औद्योगिक श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रा स्फीति में इजाफा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 0.2 अंक बढ़कर 129.2 हुआ। ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क मर्क्यूरो में डोज कॉइन और एक्सआरपी हुए शामिल। वैश्विक पेमेंट नेटवर्क ने डोज कॉइन और एक्सआरपी के लिए प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट की शुरुआत। क्रिप्टो जैकिंग अटैक फाइनेंशियल सेक्टर के लिए बना सिरदर्द। साइबर अपराधी मेलवेयर का इस्तेमाल कंप्यूटर नेटवर्क में सेंध लगाने के लिए करते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने वेल्स को 3-1 से हराया। लगातार दूसरी जीत। न्यूजीलैंड के गेंदबाज ईश सोड़ी ने लिया रॉकेट कैच। पलक झपकते ही हाथ से चिपक गई गेंद।
जीएनपीएल में शाहरुख खान ने आखिरी ओवर में बाजीगरी दिखाकर पलटा मैच, तूफानी अर्धशतकीय पारी, खेल मचाया धमाल। गेंद लगने से पहले ही बल्लेबाज का टूट गया बल्ला, देखकर लोगों ने कहा चाइना का माल। भारत के पूर्व विकेट कीपर पार्थिव पटेल ने की भविष्यवाणी, बताया क्यों टी20 वर्ल्ड कप 2022 नहीं खेलेंगे आर अश्विन। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने भारत को दिलाया पहला गोल्ड, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। सीडब्ल्यूजी 2022 में वेटलिफ्टिंग में भारत को दूसरा पदक, गुरुराज पुजारी ने जीता कांस्य पदक। केएल राहुल ने फिटनेस पर जारी किया बयान, कहा तेजी से हो रही है रिकवरी, जल्द ही टीम में करूंगा वापसी। सौरव गांगुली एक बार फिर मैदान पर लगाएंगे चौके और छक्के, लीजेंड्स लीग क्रिकेट में खेलेंगे चैरिटी मैच। जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, धवन बने कप्तान, दीपक चाहर की वापसी। सुजैन खान ने शेयर किया वीडियो, बॉयफ्रेंड अरसलान गोनी संग मस्ती करती दिखी, डिजाइनर वेकेशन पर गई थी कैलिफोर्निया। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर नागा चैतन्य का बयान, एक्टर ने कहा मुझे उम्मीद है कि लोग मेरे काम के बारे में बात करना शुरू करेंगे। पेपराजी को मिठाई बांटती दिखी दिशा पाटनी, एक विलन रिटर्न्स को मिली शानदार ओपनिंग, वीडियो हुआ वायरल। काजोल को बॉलीवुड में 30 साल पूरे, अजय देवगन ने लिखा खास पोस्ट, बोले अभी शुरुआत है। एफडीसीआई इंडियन कोट्यूर वीक में रैप पर उतरी सारा, फाल्गुनी पिकॉक के आउटफिट में एक्ट्रेस ने नवाबी स्टाइल में किया रैंप वॉक। अक्षय कुमार पर राम सेतु की छवि बिगाड़ने का आरोप, सुब्रमण्यम स्वामी बोले खिलाड़ी पर केस करेंगे। सलमान खान ने बढ़ाई अपनी सुरक्षा धमकी भरे खत, मामले के बाद भाईजान ने अपनी कार को किया बुलेट प्रूफ, गन लाइसेंस के लिए किया अप्लाई। राजकुमार राव का नया आशियाना, जानवी कपूर से 44 करोड़ में खरीदा लग्जरी अपार्टमेंट, एक्ट्रेस को हुआ तगड़ा प्रॉफिट। जावेद अख्तर डिफेमेशन केस, सिकंदर रनौत ने मानहानि मामले में कोर्ट से किया अनुरोध, बहन रंगोली चंदेल का बयान दर्ज करने का आग्रह किया। मनीष मल्होत्रा के लिए रैंप पर उतरे रणबीर, दीपिका एक दूसरे का हाथ पकड़े किया रैंप वॉक, स्टेज पर किया पत्नी को किस। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साफ।